हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज देखिए मैं बनाई हूँ मेथी का पराठा और चटनी टमाटर की। देखिए ये मेथी आपको दिख रहा होगा हरा हरा। तो मैं इसका वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन सुबह सुबह बनाई तो नहीं बना पाई, तो मैं फिर शाम में बनाऊँगी, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और क्या बोले, हाँ अभी अभी इस बार मैं सेवई बनाऊँगी, चटनी नहीं बनाऊँगी। तो थोड़ा सा वीडियो आपको दिखा दी बस, चटनी और इसका पराठा का। अभी अभी शाम को पराठा मेथी का और सेवई बनाऊंगी, तो आपको दिखाऊंगी किस तरह बनाते हैं मेथी का पराठा। तो चलिए जल्दी से मैं खा लेती हूँ। मैं अपने ने खाना निकाली थी, दो रोटी और चटनी। फ्रेंड्स देखिए, मैं मेथी का मतलब मेथी निकाल रही हूँ। और देखिए थोड़ा सा ये मेथी है, मेथी का पत्ता को तो थोड़ा थोड़ा वो करना है, मतलब काटना है तो काट सकते हैं और नहीं काटना है तो ऐसे भी चलेगा। और देखिए मेरा प्याज है, एक प्याज, और इसमें मैंने अदरक लहसुन और मिर्ची सब कूटा है, पूरे कूट के इसमें सब मसाला इसमें डालना है, पूरा मसाला, हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा मिर्च जो आपको डालना है सब मसाला, जितना मसाला के घर में सब मसाला डाल दीजिए। और देखिए मैंने इतना आटा निकाला है, आटे में नमक डालना है। अभी देखिए मेरा मेरा खीर चढ़ गया, मैं खीर बना रही हूँ। सब्जी बनाऊँगी, सेवई आपको बोल रही थी सेवई बनाऊँगी, लेकिन खीर बना रही हूँ। खीर के साथ अच्छा, सेवई से अच्छा नहीं लगता है, खीर के साथ ही अच्छा लगता है। तो मैं खीर देखिए चढ़ा रही हूँ, मेरा खीर उबल रहा है, तब तक कूट के सब मसाला डाल के तो आपको दिखाती हूँ मैं। तो फिर देखिए मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, अभी स्वाद अनुसार नमक, तो कितना नमक डाल ली। हल्दी डाल दी, हल्दी डाल ली इतना। अभी कितना गरम मसाला ज़्यादा, इतना धनिया, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, इससे मैं एक प्याज डाल, जो प्याज है इसमें डाल दूंगी, ये मेथी भी, जो मसाला कूटा है अब उसकी पानी। देखिए मैंने जो मसाला कूटा था, लहसुन, मिर्ची, अदरक, ये सब मैं इसमें डाल लेंगी पूरा। जितना मिला है सब डाल देती हूँ। अब सबको मिक्स करना है, मिक्स करके सानना है इसको। तब मैं इसको देख के सबको दिख रहा है वहाँ पे, इसको सबको मिला देना है इस तरह। कम आटा तो मैं कम मेथी डाली, ज़्यादा आटा रहेगा तो ज़्यादा मेथी पड़ेगा इसमें। कम आटा तो कम कम मसाला, कम मेथी का पत्ता, सब कुछ कम कम पड़ेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, ज़्यादा पड़ेगा। तो इस तरह पूरा मिला देना है पूरा, जैसे आटा सानते हैं आपको, आटा सानना गूनना है उसी तरह। तो पूरा गून के तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैं इससे आटा गूंद ली हूँ, ऐसे आपको आटा गूंदना है। आपको मैंने तेल डालने का, तेल ला सकते हैं मीठा तेल, मैं सुबह डाली थी लेकिन अभी नहीं डाली, इसीलिए ज़्यादा नरम हो जाता है तेल, तेल भी लगने लगता है, इसलिए क्या थोड़ा मतलब कड़क कड़क करता है, अच्छा लगता है। इसे चाहे वैसे आप बना सकते हैं। इस तरह आटा सान लेना है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है आटा, पूरा पत्ता दिख रहा है, प्याज वगैरह सब दिख रहा है, देखिए
इसको भी नहीं, छोटी छोटी गोली बनाना है ऐसे करके, छोटी गोली बना के इसको रोटी बनानी है। ठंड डाल देते पर देखिए ये रोटी मेरा हो चुका है, इसमें मैं तेल डाल रही हूँ, मीठा तेल। मेरा खीर भी बन चुका है, इसको इससे करना है। इस तरह करके निकालना। और देखिए इधर मैंने इसमें पर्थन इस ये लिया है, ये वाला पर्थन आटा ही लेना है ऐसे करके। फिर देखिए इस तरह इसको बेलना है, मैं बेल चुकी हूँ। देखिए पत्ता दिख रहा है, तो ये हमारा बन चुका। देखिए मेरा इतना बन चुका है, इधर पूरा बन जाएगा तब फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इधर जारी पहले में सब, ये देखिए खीर भी बन चुका है। हमारा तैयार है, आप भी इसे बनाइएगा और खाइएगा। हमें वीडियो को लाइक और चैनल से सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग अगर नए हैं तो, पुराने हैं तो कोई बात नहीं। इस तरह देखिए मैं इसमें काजू कतली नहीं डालती कि हम लोग बच्चे लोग नहीं खाते हैं, निकाल देते तो खाएगा नहीं। इलायची डालूंगी, और ये पराठा चलते हैं हम लोग खाते हैं। आप भी खाइए, आइए।